inside, you can see, fully inside the liquid. So according to this, mass ke saath density ko multiply karo. Density is equals to mass by volume. तो वॉल्यूम डेंसिटी को मास के साथ डिवाइड करो तो बचेगा वॉल्यूम. सो हमने दोनों तरफ, ये अगर दोनों इक्वल हैं तो हमने दोनों तरफ डेंसिटी के साथ डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड था तो मास ऑफ द वाटर किसमें चेंज हो गया, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. मास ऑफ द बॉडी था किसमें चेंज हो गया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. सो इसी के अकॉर्डिंग क्यों हमने किया, अब देखो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने मास और वॉल्यूम का कंपैरिजन निकाल दिया बॉडी के साथ विद द वाटर डिस्प्लेस्ड. सो रिलेटिव डेंसिटी क्या कहती है, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी. अब दोनों ही मास हैं, दोनों मासेस को हम ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी. Mass into gravity is equals to weight. So mass of the body into gravity is equals to weight of the body. Mass of water displaced into gravity is mass of weight of the water displaced. यहाँ तक understood है. Then comes कि अगर ये weight of the body जो है, since weight of the water displaced by body, Archimedes principle क्या कहता है कि body का weight किसके equal है, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इन वॉटर. पानी के अंदर अगर पूरी बॉडी है तो पानी के अंदर बॉडी कितनी फील होगी, हल्की. तो वो कितनी हल्की होगी, जितना आप थ्रस्ट होगा. तो वो आप थ्रस्ट कितना है, लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इन वॉटर. तो हमने यहाँ पे किया था, जस्ट अ सेकेंड, वी हैव डन दैट वेट ऑफ द बॉडी ओवर वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड बाय इट. तो वेट ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, लॉस ऑफ वेट. जितना पानी बाहर आया उतना ही तो आप थ्रस्ट लगा. तो हमने यही कहा, वेट ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड, सी वंस अगेन, वेट ऑफ वॉटर डिस्प्लेस्ड किसके इक्वल हुआ, आप थ्रस्ट के इक्वल. तो आप थ्रस्ट को क्या लिखा, लॉस ऑफ वेट. आप थ्रस्ट इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी. तो यही हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में प्रूव किया था. सो वेट ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस बाय वेट, लॉस ऑफ वेट. लॉस ऑफ वेट कितना हुआ, जितना उसका हवा में वेट था उसमें से जितना पानी का है उतना माइनस कर दो तो कितना हो गया, इसे क्या कहेंगे, आप थ्रस्ट. तो आप थ्रस्ट ही है, तो ये अगर ये आप थ्रस्ट है तो वो क्या होगा, W1 अगर बॉडी का वेट एयर में है तो यहाँ पे भी W1 आएगा, W1 ओवर W1 माइनस W2. दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी हैव कैलकुलेटेड फॉर रिलेटिव डेंसिटी. सो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू W1 ओवर W1 माइनस W2, जो बॉडी का वेट है हवा में माइनस बॉडी का वेट इन वॉटर. सो Now the last topic is left of this exercise, that is relative density of the solid denser than water. मगर condition क्या है, body तो denser है पर the body is insoluble. So please see the diagram. अगर body soluble नहीं है तो हम simple diagram से explain करेंगे कि पहले मैंने हवा में इसका weight calculate किया, in air that weight of the solid is W1. पर मैंने पानी में इसका weight calculate किया नीचे place करके, that weight is W2. So according to the formula which we just have calculated, this formula, so according to this formula the same happens, that is RD is equals to W1 over W1 minus W2. But second case persist. Dusra case kya, ye to tha ki solid is not going to soluble in water. Second case is when the soluble is solid is soluble in water. Agar solid soluble hai तो वो जैसे ही हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए डालेंगे इट इज गोइंग टू मिक्स. तो हम यहाँ पे उसको पानी में नहीं डालेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी यूज अनदर लिक्विड. उस लिक्विड को यूज करना है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी पहले लिक्विड की डेंसिटी को हमने पहले ही निकाल लेना है, रिलेटिव डेंसिटी को विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ऑफ वॉटर. सो नाउ अब हवा में वेट ओवर लॉस इन वेट,
पर लॉस इन वेट किसमें है, लिक्विड में। हमने सेकेंड लिक्विड लिया जिसमें हमारा जो सॉलिड हमने लिया वो सॉल्युबल नहीं है। सो इट मीन्स आई एम गोइंग टू राइट समथिंग ओवर हेयर, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वॉटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो ये चीजें हमें चाहिए। सो सबसे पहले हम बॉडी का वेट निकालेंगे एयर में, फिर उसी बॉडी का वेट निकालेंगे उस लिक्विड में जो हमने लिया। सपोज मैंने ऑयल ले लिया जिसमें वो मिक्स नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डेंसिटी ऑफ वॉटर आई नो, सो आई ऑल्सो नो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग दीज टू आई कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। सो हमारा फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव डेंसिटी अब हमने किसका निकालना है, सॉलिड का। जस्ट अ सेकेंड, अगर रिलेटिव डेंसिटी हमने सॉलिड का निकालना है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉलिड का था W1 over W1 minus W2, यही था। पर यहाँ पे एयर का तो आ गया, उसके बाद एयर में फिर से आ गया, पर यहाँ पे ये वेट हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि पानी के अंदर है। तो इसकी बजाय हम वेट इन लिक्विड यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू द फॉर्मूला। रिलेटिव डेंसिटी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब यहाँ पे जो हमने लिखा ये था वेट इन एयर, पर ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे लिक्विड यूज किया है। सो उसके अकॉर्डिंग व्हाट वी डू, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो इसमें वाटर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो किया, जस्ट अ मिनट, आई हैव शोन यू रॉन्ग, नहीं ये था फॉर्मूला, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर दैट इज W1, आर डी ऑफ द सॉलिड इज W1 डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट। अब पानी में तो वो मिक्स हो जाएगी, तो किसमें है, लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी निकाली लिक्विड की उसको मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड हेंस रिलेटिव डेंसिटी विद वाटर उसकी आ जाएगी, उस सब्सटेंस की। सो यहाँ पे आएगा W1 ओवर क्या आएगा, अगर मैं उसको W2 W3 कुछ मान लूं तो वो आएगा W1 minus W2 into RD of the liquid। सो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, तो उसको मैंने W2 माना, इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। दिस केस इज एग्जिस्ट व्हेन द सॉलिड विच वी हैव टेकन इज सॉल्युबल इन वाटर। सो नाउ नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिक्विड की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, अगर ये सॉलिड था वो तो हमने कर लिया, एक सॉलिड किया विच इज इनसॉल्युबल, सेकेंड सॉलिड किया विच इज सॉल्युबल इन वॉटर, थर्ड वी आर फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वेट ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ओवर वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम, वेट ही लेना है दोनों का। अब ये वेट अगर हम कंसिडर करते हैं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सॉलिड इमर्स करेंगे लिक्विड में फिर पानी में, इट डिस्प्लेस द लिक्विड और वॉटर इक्वल ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। सॉलिड लिक्विड में भी इमर्स करेंगे, सॉलिड को पानी में भी करेंगे, तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। देयर फोर अबव इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड लिखा ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी आ गया, दोनों में सॉलिड डाला है, कितना कितना उसने पानी और कितना उसने वॉल्यूम लिक्विड का निकाला वो लिख लिया, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द वॉटर डिस्प्लेस्ड, लिक्विड को भी डिस्प्लेस किया, तो लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन वॉटर, वॉटर डिस्प्लेस किया तो वॉटर में कितना वेट है वो माइनस करो, लिक्विड को डिस्प्लेस किया तो लिक्विड में इस बॉडी का कितना वेट है वो माइनस करो। सो उसके अकॉर्डिंग इफ आई हैव टेकन वेट ऑफ द बॉडी इन एयर W1
weight of the body in liquid W2, weight of the body in water W3. So according to this, W1 minus W2 over W1 minus W3. These two are the values of relative density of the liquid. So with this, we have finished our exercise 5B. So we are going to